अब बात वही है, ठीक है, अब बात वही है कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाए, वो कई बार नहीं होगा, वो कई बार नहीं होगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। वो जो आपकी मेहनत है, जो आपने अपनी अपने से टाइम निकाल के आपने सब्जेक्ट को दिया है, वो कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ेगा। नो टाइम देयर विल बी अ ड्रॉपर बैच थ्रू आउट द इंडिया, क्योंकि एक्चुअली में बच्चा ड्रॉप कब करेगा, जब वो जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे देगा और उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है जिससे मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, तो वो ड्रॉप लेने की कोशिश करेगा। ड्रॉप लेने के बाद उसके पास मान लीजिए कि अगस्त 1 से उनका बैच स्टार्ट हो भी जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी अगर मैं काउंट करूं तो उनके पास 6 मंथ्स हैं, ओनली 6 मंथ्स हैं पूरी चीजों को दोबारा देखने के लिए। सर 6 मंथ्स तो हमारे पास भी, हमें तो सर बोर्ड्स के लिए भी तैयार करना है, एंड दैट इज द बेस्ट। अगर आपके पास बोर्ड्स का लोड नहीं होगा तो आप बहुत रिलैक्स्ड वे में तैयारी करेंगे, आपके टारगेट्स कहीं ना कहीं आपकी डेडलाइन से आगे चले जाएंगे और आपको लगेगा कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे। यह आपके लिए एडवांटेज वाली बात है कि थोड़ा सा प्रेशर आपके पास है कि सर स्कूल भी मैनेज करना है, बोर्ड्स का भी देखना है और साथ साथ जेईई मेंस का भी करना है। इसी प्रेशर में ही आप अपनी स्पीड और रिदम को मेंटेन रखेंगे। अब जो 6 मंथ्स का जो गैप आएगा उनके ऊपर, ड्रॉपर के ऊपर दो चीजों का भार रहता है, एक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो एक साल अपना और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वाला एक भार रहता है, और दूसरी बात अ फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर मींस कि उनको पता है कि यार ये वाला मैं ड्रॉप ले रहा हूं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर काफी सारी चीजें खराब हो सकती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हो सकता है आपके भाई बहन या कोई बच्चे होंगे जो ड्रॉपर के बारे में सोचते होंगे कि मैं ड्रॉप ले लूंगा। मैंने खुद पर्सनली ड्रॉप लिया है, लेकिन मेरे को पता है वो कॉन्स्टेंट पेन ऑफ हैविंग कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो चीज से भी आपको लड़ना होता है। और तीसरी चीज जो मैं कहूंगा जो कंटेंट वाइज आती है ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए, वो ये है कि वो पार्शियल इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर आपको मैं इसी चैप्टर की पार्शियल इंफॉर्मेशन दे दूंगा पहले ही, ठीक है, तो आप मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं सुनेंगे। आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से 200+ लाने। इट डजंट मैटर कि वो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है या